और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरों की। आने वाले दिनों में जब आप नागौर जिले के कुचामन शहर में आएंगे तो वहां न सिर्फ इमारतें एक ही रंग में रंगी होंगी बल्कि दीवारों पर भी हमारे देश के युद्धवीरों और सेना से जुड़े चित्र और स्लोगन देखने को मिलेंगे। यही नहीं, शहर में दूसरे शहरों की तरह दीवारों पर किसी तरह की प्रचार सामग्री के रूप में वॉल पेंटिंग या पंपलेट भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये सब मुमकिन होगा आज शुरू किए गए ग्रीन कुचामन क्लीन कुचामन अभियान के जरिए, जो शहर की शिक्षण और कोचिंग संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं, नगरपालिका और स्थानीय निवासियों के संयुक्त फैसले से वजूद में आया है। जयपुर के चामू खंड की गोविंदगढ़ पंचायत समिति के ग्राम जैतपुरा में आज एनआईसीटी के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंकिंग सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन जैतपुरा के सरपंच बाबूलाल टोडावता, पूर्व सरपंच पति भवरलाल, उप सरपंच बाबूलाल गोसलिया, एनआईसीटी जयपुर के चैनल पार्टनर मदन कुमावत ने फीता काट कर किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में अणुव्रत समिति की ओर से ग्रीष्मावकाश के दौरान विद्यार्थियों के लिए 6 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर संयोजक व अणुव्रत समिति के उपाध्यक्ष गोपाल पंचोली ने बताया कि भूरबाई काबरा जनसेवा ट्रस्ट के माताश्री भवन में आयोजित होने वाले शिविर में शाहपुरा व ग्रामीण क्षेत्र के 40 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बूंदी के नैनवा में पीने का पानी नहीं मिलने पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। जिला कार्यालय पर प्रदर्शन कर महिलाओं ने मटकियां फोड़ी और जलापूर्ति की मांग की। साथ ही एएन और जेएन का घेराव कर खरी खोटी सुनाई। शहर में जलापूर्ति 3 दिन में हो रही है और विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में 2 दिन पहले तेज अंधड़ व चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए राजस्थान घुमंतू अर्धघुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल कैसावत मदनपुरा का दौरा करेंगे। कैसावत यहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर वहां हुए नुकसान के संबंध में जिला प्रशासन व सरकार से वार्ता करेंगे। बीकानेर के नोखा में भाजपा की रीति नीति व सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की अपील बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक में जिला प्रभारी अमरीक कौर ने की। भीलवाड़ा के शाहपुरा में श्रम मंत्रालय व श्रम कल्याण संगठन की ओर से संचालित चल चिकित्सा इकाई में शाहपुरा में बीडी श्रमिकों के लिए शिविर का आयोजन किया। इसमें पंजीकृत श्रमिक बीडी श्रमिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उनको निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। कमठार यूनियन संघ के सचिव स्वराज सिंह शेखावत ने बताया कि श्रम मंत्रालय की ओर से 121 पात्र श्रमिकों को कंप्यूटरीकृत कार्ड जारी किया जाएगा। बूंदी के हिंडोली पंचायत समिति की 42 ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य चल रहे हैं, जिनमें 14,500 श्रमिक सुबह से दोपहर 2 बजे तक चिलचिलाती धूप में कार्य करने को मजबूर हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा में भाजपा के 9 पार्षदों ने नगरपालिका ईओ को पत्र लिखकर नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक बुलाने की मांग की है। पार्षदों ने पत्र में लिखा है कि शहर में भवन निर्माण की स्वीकृति सहित कई अन्य कार्यों को कराने के लिए बोर्ड बैठक बुलाई जानी जरूरी है। पालिका बोर्ड की गत बैठक 15 फरवरी 2016 को हुई थी, उसके बाद आज दिनांक तक बोर्ड की बैठक नहीं होने से रूटीन कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सिरोही के शिवगंज में लॉयंस क्लब शिवगंज सुमेरपुर की प्रेरणा से गौवंश के लिए चांदला निवासी फतेह सिंह राव ने हरे चारे के लिए गौशाला संस्था को 1 लाख रुपए का चेक दिया है। भीलवाड़ा के बिजौलिया में राज्य सरकार द्वारा बिजौलिया खनिज विभाग को 46 करोड़ का राजस्व वसूली का लक्ष्य दिए जाने से अधिकारियों को टारगेट पूरा करने की चिंता सताने लगी है। ईसी नहीं मिलने और इस कारण 31 मई के बाद खदानें बंद करने के एनजीटी के आदेशों के चलते राजस्व की लक्ष्य प्राप्ति में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। भीलवाड़ा के मांडल पंचायत समिति में स्थित अंबेडकर बालिका छात्रावास पर पूर्व में असामाजिक तत्वों पर पत्थर फेंकने के मामले के बाद क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के बाद क्षेत्र मांडल थाना पुलिस ने छात्रावास में गश्त बढ़ाते हुए असामाजिक तत्वों की तलाश शुरू कर दी है। बीकानेर के नोखा में अनेक वार्डों में पीने के पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, परंतु यहां वार्ड चॉइस में जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। जलदाय विभाग के अंबेडकर स्कूल जल होद से रात भर पानी बहता रहा, सुबह कर्मचारी ने आकर वॉल बंद किया। कर्मचारी की लापरवाही से लोगों में यहां रोष व्याप्त है। करौली के नादोती में विद्युत की अघोषित कटौती हो रही है, उपभोक्ता परेशान है, विभागीय अधिकारी संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। सिरोही के शिवगंज में अब 10वीं पास ही मंडी समिति सदस्य बन सकेंगे, ये आदेश राज्य सरकार ने जारी किए हैं। दौसा के महवा के मंडावर कस्बे बीओबी बैंक के सहायक प्रबंधक राम सिंह यादव व बैंक पर डकैती के प्रयास करने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लालसोट विधायक धरने पर बैठ गए। धरनास्थल पर बड़ी संख्या में आसपास के गांव के लोग पहुंचे हैं, जहां एक वक्त महवा क्षेत्र में बढ़ रही लूट हत्या एवं आपराधिक वारदातों को लेकर अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। सिरोही के शिवगंज में शिकायतों के बावजूद भी आर्य समाज रोड पर धूम्रपान का सामान बिक रहा है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
अलवर के राजगढ़ में न्याय आपके द्वार लोक अदालत और कैंप कोर्ट में राजस्व मुकदमों के निस्तारण में सहयोग के अभाव और लापरवाही बरतने पर नौ हल्का पटवारियों को एसडीएम सुदर्शन सिंह तोमर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। भरतपुर के डीग में गुड़गांवा कैनाल में टेल तक पानी पहुंचाने और उसके द्वितीय चरण के विस्तार की मांग को लेकर भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों ने जयपुर में जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप से मुलाकात की। अजमेर के विजयनगर में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय जालिया द्वितीय के छात्र पीयूष पारिक ने जिला मेरिट में तीसरा स्थान हासिल किया है। बारा के चबड़ा में एक युवक ने जहरीली चीज खा ली जिसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बारा के छबड़ा के लोगों ने दौरे पर आए कोटा संभागीय आयुक्त रघुवीर सिंह मीणा को एक ज्ञापन देकर मध्यप्रदेश से जोड़ने वाले गुगोट पार्वती पुल के निर्माण की मांग की है। बूंदी के इंदौरी में भीषण गर्मी में मजदूर मेहनत कर रहे हैं लेकिन मनरेगा कार्यस्थलों पर उनके लिए छाया तक की व्यवस्था नहीं है। पाली के सुमेरपुर में कच्ची बस्ती विकास समिति के महामंत्री देवीलाल मीणा ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर नगर पालिका क्षेत्र की समस्त सातों कच्ची बस्तियों में आवश्यक विकास कार्य को प्राथमिकता पूर्वक संपन्न कराने की मांग की। अजमेर की भिनाई में डाकघर का सर्वर दो दिन से ठप होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के कोटपुतली के पनियाला थाना इलाके के मोलाहेड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया जिसमें दो लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुटों को छुड़वाने का प्रयास किया तो एक पुलिसकर्मी के हाथ पर भी चोट लगी। पुलिसकर्मी और घायलों को बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चूरू के सारासर के वार्ड नंबर 9 में गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान हैं और इस शिकायत कई बार भी की जा चुकी है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। झालावाड़ के कानपुर में 13वीं श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौसा के सिकराय पंचायत समिति की आधा दर्जन पंचायतों में रसूखदारों ने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है वहीं ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। चित्तौड़गढ़ के आकोला कस्बे से 2 किलोमीटर दूर फतेहनगर मार्ग पर भील बस्ती के पास कॉमन फैसिलिटी सेंटर भवन पर मूल्यांकन विभाग जयपुर उदयपुर ने मूल्यांकन किया। वहीं समूह की महिलाएं भी नहीं मिली और नामदेव हैंडप्रिंट विकास संस्थान बंद मिला। यह भवन की करीब 40 लाख से अधिक लागत में राज्य की वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में कॉमन फैसिलिटी सेंटर भवन का निर्माण कराया गया था। चित्तौड़गढ़ के आकोला में विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके जल्द ही निराकरण का आश्वासन भी दिया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा के होडा ग्राम में 9 दिनों के अंतराल से पेयजल की सप्लाई हो रही है जिससे परेशान लोगों ने जलदाय विभाग पर पानी के टैंकर बेचने का आरोप लगाया है। जयपुर के शाहपुरा में बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर लिया जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कराई और मामले की जांच में जुट गई। श्रीगंगानगर के साधु शहर में प्रधान परमेश्वरी नायक ने 7.5 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 900 फुट सीसी रोड का लोकार्पण किया। डूंगरपुर के चौधरी समानता मंच के समर्थन में दुपहिया वाहन रैली निकाली जाएगी और एसडीएम को ज्ञापन देकर टीएसपी एरिया में सामान्य वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था पुनः बहाल करने की मांग की जाएगी। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।